नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रुथ नॉलेज टीवी में। आज के वीडियो में हम भारत में मुगल सल्तनत स्थापित करने वाले मुगलों के वंशजों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज से हजारों साल पहले हमारे हिंद पर मुगलों का राज हुआ करता था। उस समय के मुगल बादशाह विश्व के सबसे अमीर राजाओं में शामिल थे। उनके पास बेशुमार धन दौलत, सोना चांदी और हीरे मोतियों का अपार खजाना था और उनकी बादशाहत भारत के कई इलाकों में शामिल थी। इस प्रकार सोने की चिड़िया भारत की हर चीज पर उनका अधिकार था। परंतु जो मुगल राज्य बाबर द्वारा बनाए गए और अकबर की बहादुरी से ताकतवर हुए, उन पर धीरे धीरे ब्रिटिश राज कायम होने लगा और मुगलों का वर्चस्व कम होने लगा। इस प्रकार इतिहास के पेजों में वो गायब हो गए। भारत में मुगल सल्तनत स्थापित करने वाले मुगलों के वंशज आज कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, जो आज ताजमहल, बाबरी मस्जिद, लाल किला और भारत की धन दौलत पर अपना अधिकार जमाते हैं। अकबर के वंशज। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर शाल के महल में हुआ था। अकबर के दादा बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह बना। अकबर, जिसके पास विशाल सेना, बेशुमार खजाना और बड़े साम्राज्य का मालिक था। अकबर, जिसका सपना संपूर्ण भारत को जीतने का था, जिसके लिए उसने कई खतरनाक युद्ध लड़े, परंतु वह अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उसको महाराणा प्रताप जैसे कई योद्धाओं से करारी टक्कर मिली। अकबर के पास उस समय धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सोने की चिड़िया भारत पर उसकी हुकूमत हुआ करती थी। अकबर की कुल 7 पत्नियां थी और उनके पुत्र का नाम सलीम था, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने मुगल सल्तनत के सिंहासन को संभाला। सन 1837 में बहादुर शाह जफर सल्तनत का अगला बादशाह बना, लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। सल्तनत के नाम पर उसके पास कुछ ही इलाके बचे थे। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उसको सत्ता से बेदखल कर दिया। परंतु दोस्तों, इतने अमीर मुगलों के वंशज आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इनसे मिलिए। ये हैं बहादुर शाह जफर के परपोते याकूब हबीबुद्दीन तूसी, जिनके पिता का नाम याकूब आरिफुद्दीन है, जो अंतिम मुगल सम्राट की परपोती लैला उस्मानी के पुत्र थे, जिनके 49 बेटे और बेटियां थीं। याकूब हबीबुद्दीन तूसी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की 6 पीढ़ी के वंशज हैं और आज हैदराबाद में रहते हैं और बेहद गरीबी का जीवन जी रहे हैं। सरकार से उनको पेंशन के तौर पर 8,000 रुपए मिलते हैं और साथ ही नेताओं को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी भी इनको दी जाती है। परंतु इन सब के बावजूद भी ये खुश नहीं हैं। ये जनाब तो बाबरी मस्जिद
ताजमहल, लाल किला और सभी मुगल इमारतों पर अपना अधिकार जमाते हैं। साथ ही मुगलों के अपार खजाने में भी अपने हिस्से की मांग करते हैं, इसलिए इन्होंने सरकार पर दावा भी ठोक रखा है। ये है बहादुर शाह जफर के परपोते की पत्नी सुल्ताना बेगम, जो कलकत्ता के एक झुग्गी झोपड़ी इलाके में रहती हैं, जो कि अपने पति प्रिंस मिर्जा बेदार बुक्त की मृत्यु के बाद इनका जीवन एक मामूली पेंशन में सिमट गया है। इन्हें पेंशन के तौर पर 6,000 रुपए मिलते हैं, जिससे ये अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। मीर उस्मान अली के वंशज। मीर उस्मान अली का जन्म 6 अप्रैल 1886 को हैदराबाद में हुआ था। उस्मान अली उस समय दुनिया का सबसे अमीर शख्स था। हैदराबाद का ये आखिरी निजाम आसफ जाही वंश से ताल्लुक रखता था, जिसके पास दुनिया का अपार खजाना था और दक्षिण की कई हीरो की खानों पर नवाब उस्मान अली का अधिकार था। निजाम के पास कभी न खत्म होने वाला बेहिसाब पैसा था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय निजाम ने अपनी हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की घोषणा की थी, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कड़क रुख के बाद निजाम ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद राष्ट्रीय रक्षा कोष में सन 1965 में हैदराबाद के निजाम द्वारा 5 टन सोना दान दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अमीर शख्स के बच्चे आज ऐश की जिंदगी जी रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। आज उस्मान अली का वंशज मुकर्रम जहां मौजूदा समय में तुर्की में रहता है और भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार से निजाम द्वारा दिए गए दान और सोने की मांग कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे मुगलों और शाही परिवार के वंशज। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।